मुंबई को छोड़ के अब कोरोना दूसरे राज्यों में भी तेजी से पैर फैला रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3044 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई है और यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 72782 है और अब तक 1737 लोगों की जान गई है। वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3578 नए मामले आए हैं और 31 लोगों की मौत हो गई है। सूबे की राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 312 संक्रमित मिले हैं। यूपी में अब तक करीब 67,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी में एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है, तो जांच की रफ्तार भी बढ़ रही है जो कि रिकॉर्ड है। और कोरोना के ढंग से बिहार भी परेशान है, यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 1800 नए केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में 411 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 39,000 के पार पहुंच चुका है और बिहार में कोरोना से अब तक 244 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना पर ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ तीन संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नागपुर से हैं अमर काने, लखनऊ से हैं पवन सिंह और पटना से हैं आशुतोष चंद्रा। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा अमर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब हालात पहले मुंबई के थे, लेकिन अब मुंबई में हालात कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी के इलाके हैं महाराष्ट्र के वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। तो नागपुर की ताजा तस्वीर क्या है और वहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक तस्वीर बताना चाहता हूँ। जून तक नागपुर में सिर्फ 440 मरीज थे, लेकिन आज की फिगर जो है आसपास 4000 के आसपास फिगर चले गया। कल ही 275 कोरोना पॉजिटिव बढ़े, उसमें से भी 120 जो है जो ग्रामीण इलाके से आते थे। सबसे बड़ी चीज है कि जुलाई के शुरुआत तक नागपुर में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी बहुत कम मरीज थे, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यही कुछ चीजें औरंगाबाद में भी देखी जा रही है, कई चीज और कोल्हापुर में भी देखी जा रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ते जा रही है। और सबसे बड़ी चीज है नागपुर से पास जो गढ़चिरौली जो इलाका है, जो महाराष्ट्र का सबसे रिमोट इलाका माना जाता है, वहां पे भी 238 के आसपास कोरोना पॉजिटिव आते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं तो भी मुंबई का लिंक उनमें नजर आ रहा है जो नागपुर और आजूबाजू के आ रहे। और दूसरी जगह बात की जाए तो औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मराठवाड़ा में देखा जाए तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। वहां 13,000 के आसपास औरंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं और पूरे मराठवाड़ा में देखा जाए तो वहां पे पूरी तादाद बढ़ते जा रही है। 19,000 से 20,000 की जो फिगर है वो पूरे मराठवाड़ा की है और सिर्फ औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में अभी तक 1,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। एक रीजन वो भी है कि ज्यादा कोरोना पॉजिटिव दिख रहे हैं। और दूसरी जगह पर देखने जाए तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है अभी महाराष्ट्र में वो पूना है। पूना में बहुत तादाद बढ़ते जा रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने पूना में मुंबई को ओवरटेक कर लिया था और वहां 72,000 से 73,000 तक के कोरोना पॉजिटिव अभी तक आ चुके हैं। और एक्टिव जो पॉजिटिव है अभी भी सबसे बड़ी तादाद जो है पूना में है, वो चिंता का सबब है महाराष्ट्र सरकार के लिए। एक जगह वहां मुंबई में कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के इधर जो सिटीज है वहां पे उनकी तादाद बढ़ते जा रही है। केवल नागपुर औरंगाबाद या पूना नासिक की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो इलाके हैं जैसे विदर्भ में देखा जाए तो अकोला, उधर मराठवाड़ा में देखा जाए तो लातूर, पश्चिम विदर्भ में पश्चिम महाराष्ट्र में देखा जाए तो सोलापुर, इन इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ते जा रही है। और इसी वजह से कोरोना के पॉजिटिव के रोगियों की जो संख्या है वो भी पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा दिख रही है। इसके लिए अभी सरकार में भी कुछ कड़े पैर उठाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो छोटे इलाके हैं उन इलाकों में अब मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चिंता है। ठीक है, अब चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता पवन सिंह वहां से जुड़ रहे हैं। पवन, पूरे यूपी के क्या हालात हैं अभी, क्योंकि वहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि टेस्टिंग भी बढ़ रही है, तो यूपी सरकार की क्या नई तैयारी चल रही है, क्योंकि अब अनलॉक 3 की तारीख भी नजदीक आ रही है, तो क्या प्लानिंग चल रही है यूपी सरकार की तरफ से?
मृत्युंजय, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोविड 19 को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया था पिछले दिनों, जिसमें होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई, यानी होम आइसोलेशन में रखा जाएगा खासतौर से उन पेशेंटों को जो किसी तरह से कोई सिम्टम जाहिर नहीं कर रहे हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है। उसके अलावा जो टेस्टिंग क्षमता है वो 1 लाख बढ़ा दी गई है, यानी पर डे 1 लाख कोविड लोगों का टेस्ट हो रहा है, लिहाजा जो कोविड पेशेंट है वो ज्यादा संख्या में अब सामने नजर आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, लिहाजा जो अब संख्या टेस्ट की बढ़ी है उस हिसाब से जो पेशेंट हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक करते हैं, अपडेट लेते हैं। उसके अलावा 3:30 बजे जो प्रमुख सचिव गृह है, अपर मुख्य सचिव गृह है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के साथ। उन लोगों के मुताबिक अगर आज की अपडेट की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में संख्या है वो लखनऊ और लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, खासतौर से उन बड़े शहरों में कोविड की संख्या बढ़ रही है जहां पे प्रवासी लोग पहले आए थे, उसके बाद जो चेन ब्रेक करने की प्रोसीजर्स थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, तमाम सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई, लेकिन अब जो सरकार है वो खासतौर से फोकस कर रखी है कि किसी भी तरीके से अगर L2 और L3 स्टेज के जो पेशेंट हैं, यानी माइल्ड सिम्टम्स और उससे ज्यादा के सिम्टम्स अगर उनको आ रहे हैं तो उनका जो इलाज है वो सरकारी हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल हैं उसमें सरकार कराएगी, लेकिन अगर सिम्टम्स अगर किसी के अंदर नहीं है, अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उनको होम आइसोलेट किया जाएगा और उनको 24/7 मॉनिटर किया जाएगा। उसके लिए अलग अलग जोनल अधिकारी बनाए गए हैं, वो लगातार उनके संपर्क में है, अगर उनको कोई माइल्ड सिम्टम्स आता है तो उनको ट्रेस करके उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो सरकार का फोकस है मृत्युंजय कि मैक्सिमम टेस्ट उत्तर प्रदेश में किया जाए और जो लोग भी उससे संक्रमित या एक्टिव केस पाए जाते हैं उनका बेहतर इलाज कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये टेस्टिंग वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है और 1 लाख से ज्यादा की जांच भी हुई है यूपी में जो कि रिकॉर्ड है, तो ये अच्छी बात है। अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये अंदाजा लगेगा कि कोरोना के हालात हैं कैसे। अब चलते हैं पटना और वहां से हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशुतोष, बिहार में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 39,000 के पार पहुंच चुके हैं मामले, वहां के ताजा हालात क्या हैं और वहां पर जांच को लेकर क्या तैयारी चल रही है? क्या ये जांच को लेकर जो बयानबाजी हो रही है मुख्यमंत्री की तरफ से ये सिर्फ बयानों में फाइलों तक सीमित है या ग्राउंड पर इसका असर दिख रहा है, जांच बढ़ भी रही है? देखिए, थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूंगा, ये टोटल मामले हैं वो आंकड़ा जो पिछले 24 घंटे का है वो बढ़कर 43,500 हो चुका है और पिछले 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वो 2400 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये बेहतर स्थिति तो बिहार के लिए कहीं नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पटना की बात करें, पटना चूंकि राजधानी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, और लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग प्रतिदिन 20,000 सैंपल टेस्ट करेंगे, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वह 20,000 तक पहुंच नहीं पाया है। हालांकि कोशिश जरूर है, एंटीजन किट मंगवाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी तादाद में और ये कोशिश की जा रही है कि लक्ष्य हासिल किया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल राज्य सरकार बहुत दूर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है बिहार में कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं ये है कि ठीक है आप टेस्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर ठीक नहीं है, यानी आप अगर पेशेंट को एडमिट करवाने जाएंगे तो आपको सारे कर्म करने पड़ जाएंगे, पेशेंट एडमिट नहीं हो पाएगा। साफ तौर पर डॉक्टरों को यह हिदायत दी गई है कि ये कहा गया है कि जो पेशेंट जब तक उनमें सिम्टम नहीं दिखता है तब तक उन्हें एडमिट नहीं लेना, उन्हें होम आइसोलेशन में बोलिए रहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के पास बेडे जो है वो बहुत सीमित है हॉस्पिटल में। हालांकि ये अब कोशिश की जा रही है कि कुछ एकाध होटलों को हॉस्पिटल में तब्दील करने की कवायद चल रही है और जिला प्रशासन की तरफ से 2-3 बिल्डिंग भी देखी गई है जहां पर वो लोग हॉस्पिटल में उनको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर पॉजिटिव केस बात कह रहे हैं, एक तो ये कि बेडों की संख्या बढ़ाने की कवायद चल रही है और दूसरा ये कि जांच की रफ्तार तेज हो इसको लेकर के फोकस किया जा रहा है, ये दो महत्वपूर्ण बात बिहार से है। बहुत शुक्रिया